उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में नगर निकाय परिसीमन को लेकर जहां विपक्ष लगातार विरोध प्रदर्शन कर सड़कों पर उतर रहे हैं, वहीं भाजपा नेता भी विरोध पर उतर गए हैं। भाजपा नेता जोगेंद्र सिंह पुंडीर ने आज परिसीमन के बाद जारी सूची में कावली गांव का नाम हटाए जाने पर नगर आयुक्त को आपत्ति दर्ज कराते हुए कहा कि कावली गांव लोगों की भावनाओं से जुड़ा नाम है और विभाजन के बाद से भी सबसे बड़ी ग्राम पंचायत कावली गांव ही हुआ करती थी। यह नाम हमारी भावनाओं से जुड़ा है। 2001 में जब परिसीमन में हमारा गांव नगर निगम में आया तो इसके 8 वार्ड बने, 6 पूर्ण, 2 आंशिक, और अब नए परिसीमन में भी इसमें 2 वार्ड और बढ़े। उसमें अधिसूचना में जो दिखाया गया था 4 दिन पहले, तो उसमें कावली 42 नंबर दर्शाया गया था, लेकिन पिछले 3 दिन से जो इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया पर यहाँ पर आके मालूम किया तो कावली का नाम ही गायब हो गया। जो कावली वार्ड इतना पौराणिक नाम है, तो हमें तो ऐसा लगा जैसे हमारा अस्तित्व ही समाप्त हो गया। तो हम यहाँ पे मालूम करने आए थे, यदि ये क्लरिकल मिस्टेक है किसी कारण से हुआ तो इसमें संशोधन किया जाए, नहीं तो इसके बाद अगर जो ये कोई जानबूझ के की गई गलती है, इतना पौराणिक नाम उस गांव में जो 8 अलग अलग विभिन्न कॉलोनियाँ थी उनके नाम से तो वार्ड बन गए और उस कावली का नाम नहीं है, तो ये हमें एक धक्का सा लगा जैसे हमारे से कोई हमारा अस्तित्व ही जैसा मिट गया हो। उसी के विरोध में हम आए थे कि जानबूझ के किया गया तो इसको सुधार किया जाए। कावली के कैराना में माता बाला सुंदरी के मंदिर में माता शाकुंभरी जन्मोत्सव के अवसर पर सैकड़ों श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचे। मंदिर को इलेक्ट्रॉनिक लाइटों और रंग बिरंगे गुब्बारों तथा फूल मालाओं से सजाया गया। माता के मंदिर में माता के जन्मोत्सव पर 31 किलो का केक काटा गया। इस दौरान जन्मोत्सव में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर जयपाल शर्मा ने भी शाकुंभरी माता के जन्मोत्सव पर कैराना में स्थित प्राचीन मंदिर में माता बाला सुंदरी के दर्शन किए और भजन साधना का आयोजन कर प्रसाद का वितरण किया गया। शामली से फुरकान जंग की रिपोर्ट। पुलिस की एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट द्वारा चलाए गए अभियान के तहत भिक्षावृत्ति कर रहे 393 बच्चों को पकड़कर उनके परिजनों के सुपुर्द किया गया। साथ ही एनजीओ के सहयोग से इन बच्चों को शिक्षित करने की योजना बनाई गई है और यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। भिक्षावृत्ति पूरी तरह से पाबंदी लगाने को लेकर प्रथम चरण में 11 दिसंबर से प्रदेश में देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और उधम सिंह नगर के चौराहों, बाजार, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड व धार्मिक स्थलों आदि पर अभियान चलाया गया। भिक्षावृत्ति में हमने पूरे प्रदेश में कोशिश कर रहे हैं कि इस पे पूरी तरह रोक लग सके, तो एक अभियान चलाया था 1 महीना, तो उसमें काफ़ी बच्चे आइडेंटिफाई हुए हैं, उनको वहाँ से एक प्रकार से छुड़वाया गया है, रेस्क्यू किया गया है और उनको कोशिश कर रहे हैं पढ़ाई में लगे, दूसरे कामों में लगे। बिल्कुल जारी रहेगा, कोई गिरोह हमारे यहाँ प्रकाश में नहीं आया, हम लोग सोच रहे थे। प्रधानमंत्री स्वच्छता अभियान के तहत आज रुड़की नगर निगम ने डबल कलर डस्टबिन योजना शुरू की, जिसके तहत नागरिकों को गीले व सूखे कचरे के अलग अलग निस्तारण के लिए निशुल्क 2 डस्टबिन वितरित किए जा रहे हैं। निगम के सफाई कर्मी घर घर जाकर इन डस्टबिन से कचरा एकत्र करेंगे। डस्टबिन के दुरुपयोग पर नगर निगम जुर्माना भी लगाएगी। योजनाओं के तहत निगम की ओर से गीले व सूखे कचरे के अलग अलग निस्तारण के लिए प्रत्येक घर दुकानों में हरे व नीले डस्टबिन उपलब्ध कराए जाएंगे। के तहत ये डस्टबिन बांटे जा रहे हैं, जिससे इनको एक प्रोत्साहन मिले कि आगे से कूड़े को सेग्रीगेट करके गीला और सूखा कूड़ा अलग अलग करते हैं। नगर निगम रुड़की हर वाहन हर मोहल्ले में डस्टबिन देगा पहले, और जो भी कोई अपना कूड़ा बाहर गिरेगा उस पर फाइन होगा। नगर निगम अपनी तरफ से ये पहल करने जा रहा है, हर घर में 2 कूड़ेदान देगा, एक में सूखा कूड़ा और एक में गीला कूड़ा। अपने शहर को सब लोग स्वस्थ बनाएं और बीमारी से मुक्त बनाएं।